हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे दो एआई टूल्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत फेमस हैं, बट क्या उन टूल्स को हम यूज़ करके एक टेक्स्ट को इमेज में चेंज कर सकते हैं और उस टूल की मदद से क्या हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये वीडियो मैं दो पार्ट में बनाने वाला हूँ। पहला पार्ट ये बात करेगा कि किस तरह से हम एक स्टोरी रेडी करेंगे और जब वो स्टोरी रेडी हो जाएगी तो ऐसा कौन सा एआई हम यूज़ करेंगे जिससे वो हमको इमेज क्रिएट करके दे। क्योंकि आपने बहुत सारे चैनल ऐसे देखे होंगे कि जहाँ पे बैकग्राउंड में सिर्फ एक इमेज है और पूरी स्टोरी चल रही है। एआई के थ्रू अगर आपको कंटेंट मिल जा रहा है, और मैं लोगों को इंकरेज भी इसीलिए करता हूँ कि अगर आपको कॉन्टेंट मिल रहा है तो आप उसमें अपना वॉइस डालें, क्योंकि जब आप अपना वॉइस वहाँ पर डालेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वीडियो पर वो एक अलग होगा और लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप ये वीडियोस खुद से मेहनत करके बना रहे हैं। कोशिश करें कि एआई की वॉइस नहीं लें, क्योंकि अगर आप एआई की वॉइस लेंगे तो वो लोगों को अच्छी तो लगेगी बट वो इम्पैक्ट नहीं आता है जो खुद की आवाज़ में आता है, फिर आपकी आवाज़ कैसी भी हो। मैंने भी कुछ एक ऐसा चैनल क्रिएट किया है जो स्लोली ग्रो हो रहा है मेरा, जहाँ पर हम हॉरर स्टोरीज क्रिएट करते हैं। मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने सिर्फ एआई टूल की मदद से पूरा एक चैनल क्रिएट किया है और जहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स बनाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमें ये समझ में आ गया है कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे अपनी आवाज़ भी नहीं देनी है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाई है जहाँ पे मैंने लिखा है कि आप किस तरह से एआई यूज़ करके आप एक हॉरर स्टोरी का या बच्चों की स्टोरी का या कोई भी ऐसा चैनल आप खोल सकते हैं या जो भी आपको टॉपिक पसंद हो उसके ऊपर आप चैनल खोल लें। मैं आने वाले टाइम में ऐसे कुछ टॉपिक्स भी लेके आऊँगा कि जहाँ पे आप इजीली अपना चैनल खोल सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से पैसा मिलेगा, वहाँ से पैसा मिलेगा, कहीं से पैसा नहीं मिलता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि या तो ब्लॉगिंग से पैसा मिलेगा बट उसमें भी आपको अपना कॉन्टेंट अच्छा लिखना पड़ेगा, और या तो यूट्यूब से आपको पैसा मिलेगा। आप किसी भी ऐसी फेक साइट पे नहीं जाएं जहाँ पे आपको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं वीडियो बना बना के। मैंने खुद भी कुछ वेबसाइट रिव्यू करी है और वहाँ से यही पता चला है कि वो सब फेक है। उससे बेहतर क्या है, जो अपना टाइम है, जो आपका कीमती वक्त है, आप आज का जो ट्रेंड चल रहा है एआई टूल्स उस पर दें। आप उसके थ्रू आप टेक्स्ट टू इमेज बनाएं, मेरे कुछ वीडियोज चेक करें जहाँ पर मैंने बताया है कि आप किस तरह से इमेज टू वीडियो बना सकते हैं, टेक्स्ट टू इमेज बना सकते हैं। अच्छा, आज जो टूल मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये बहुत ही फेमस टूल है, इसका नाम है मिड जर्नी। और मिड जर्नी के साथ जो हम दूसरा टूल यूज़ करेंगे वो सब लोगों का फेवरेट टूल है, जिसे हम चैट जीपीटी कहते हैं। बट यहाँ पे मैं नॉर्मल चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं चैट जीपीटी एप्रन का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी चीज़ें और आसान हो गई हैं। जैसे कि आपको जिस चीज़ पर काम करना है, जैसे कि अगर आपको मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट बनाने हैं तो आप प्रॉम्प्ट बना सकते हैं, या अगर आपको एसईओ ऑप्टिमाइज करना है वो कर सकते हैं, कंटेंट राइटर अगर आपको लिखना है वो कर सकते हैं, ठीक है, आपको ह्यूमन रिटन अगर कंटेंट चाहिए एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल के लिए वो भी कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोज आप देख रहे होंगे जहाँ पे लोग ये बोल रहे हैं कि आप अपना ब्लॉग्स बनाएं, चैट जीपीटी की मदद से आप अपना ब्लॉग्स बना लें और आप अपना कंटेंट लिखवा लें, एसईओ लिखवा लें। तो ये सब बहुत इजी हो गया, बट देखिए कोई भी चीज़ के लिए ना दिमाग लगाना पड़ता है भाई, ये ऐसे नहीं मिलती है। चैट जीपीटी में भी अगर आपको कुछ बनवाना है तो आपको वहाँ पे जाके उसका प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा भाई मैं एआई से क्या करवाना चाहता हूँ। आजकल लोगों ने उसके कोर्सेज भी डाले हुए हैं बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी के, अगर फ्री टाइम हो तो आप चैट जीपीटी का कोर्स भी कर लें, एक दो घंटे का कोर्स होता है, जो भी अच्छा कोर्स लगे किसी भी वेबसाइट से या फिर किसी भी यूट्यूबर के यहाँ से जहाँ से उसके कोर्स को बहुत अच्छी वैल्यू मिली तो आप करें, और करके भी आप कर सकते हैं। बाकी गूगल एक एक्चुअली बहुत बड़ा हब है, अगर फ्री में सीखना चाहते हैं, मैं लोगों को एडवाइस यही करता हूँ कि अगर आप बहुत सारे फ्री यूट्यूबर्स भी हैं जहाँ पे आप जाएं जिन्होंने फ्री में ही ये कोर्स दिया हुआ है, आप कोर्स सीखें आराम से और उसके बाद चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा मज़ेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ हम करने वाले हैं, और इसका जो सेकेंड पार्ट मैं लेके आऊँगा उसमें मैं ये बताऊँगा कि वो कौन सा ऐसा टूल है, तीसरा टूल है, जो हमको मदद करेगा सारी चीज़ों को कंपाइल करने के लिए, जोड़ने के लिए और हमारा वीडियो एडिट करने के लिए। आज सिर्फ हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी एप्रम और दूसरा जो टूल है वो मिड जर्नी एआई टूल है।
मिड जर्नी एक पेड टूल है, ये हम सबको पता है, लेकिन अगर इसका हम पेड वर्जन भी ले लेते हैं तो वो भी कोई ऐसे ज्यादा महंगा नहीं है। मैं उसकी भी चीज आपको बता दूंगा। मेरे पास इस टाइम पे पेड वर्जन टूल है क्योंकि देखो पेड वर्जन टूल के ही वजह से मैं वो चैनल क्रिएट कर पाया और उसकी वजह से ही मैंने आज बहुत सारी स्टोरीज भी लिखी है। मैं वो चैनल का लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है, आप गूगल में टाइप कर लें चैट जीपीटी अप्रिम। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपको ऑफ कोर्स गूगल से वो रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। आप रिजल्ट्स पर क्लिक करें। रिजल्ट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस आप उसको फॉलो करें। चैट जीपीटी अप्रिम डाउनलोड करने के लिए आपको एक गूगल का एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और जब आप वो एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी आपके गूगल से अटैच हो जाएगा। तो ये भी स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी डाला हुआ है। तो जैसे ही चैट जीपीटी आप अप्रिम टाइप करेंगे यहाँ पे गूगल में, उसके बाद आपको कुछ इस तरह से उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। और जब ये रिजल्ट आ जाएंगे तो आप या तो aprim.com पे चले जाएंगे, भी चैट जीपीटी की साइट है, या इनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करें, या अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। पर बहुत ही सिंपल होता है ये, क्योंकि आपको सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करने हैं। आप गूगल पे जाएं, अप्रिम का एक्सटेंशन ऐड करें, मेरे पास ऑलरेडी एडेड है, आप यहां से इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अप्रिम आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और जो आपका अप्रिम एक्टिवेट हो जाएगा कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। तो जब आपका अप्रिम एक्टिवेट हो जाए तो आपको ये लेआउट दिखेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स रेडी है हमारे पास, इसमें से आपको कौन सा यूज करना है। अगर मुझे YouTube का स्क्रिप्ट लिखवाना है तो मैं ये यूज कर लूंगा, मुझे मिड जर्नी का प्रॉम्प्ट लिखवाना है तो मैं ये वाला यूज करूंगा। अच्छा, अब हमें तो स्टोरी लिखवानी है, तो अगर स्टोरी लिखवानी है तो मैं एक एक करके 12 पेज पे तो जाऊंगा नहीं। तो यहाँ पे हमको चैट जीपीटी ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, उसे हम कहते हैं सर्च। में जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इस सर्च में आप टाइप कर दें स्टोरी, सिर्फ आप ये भी टाइप करेंगे और इंटर आप मारेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इतने सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। एक है शॉर्ट स्टोरी जनरेटर, ये शॉर्ट स्टोरी बना के दे देगा। दूसरा है ट्रांसफॉर्म योर हेडलाइंस इनटू वीडियोस विद जस्ट वन क्लिक। अच्छा, यहाँ पे जो है वो है वेब स्टोरी क्रिएटर भी है और चिल्ड्रन बुक ऑथर भी है, मतलब यहाँ पे वन क्लिक में अभी पूरी बुक भी बन जाएगी। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो लेना है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट भी मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रांसफॉर्म यूट्यूब वीडियोस टू द नेक्स्ट लेवल, ये भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद बहुत सारे हैं, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, आप वो ले लें अपने हिसाब से। जैसे ही आपको ये चीज़ करनी है, स्टोरी बनानी है, अब हमारा जो गोल है आज के इस वीडियो में, हम लोग एक छोटी स्टोरी एक इमेज बना के देखेंगे और ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब ये स्टेप आपको समझ में आ जाएगा तब मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा जहां पर हम ये सीखेंगे कि वो तीन सा सरप्राइज टूल कौन सा है जो हमारी मदद करेगा और जो बिल्कुल फ्री है, जहां पे आपको एक भी रुपया नहीं देना है, आप इजीली उससे वीडियो बना सकते हैं। मैं वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो जब हम लोग स्टोरी जनरेटर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से वो प्रॉम्प्ट में फिल्टर हो जाता है। आप देखिए शॉर्ट स्टोरी जनरेटर। अब मुझे जो स्टोरी बनानी है, यहाँ पे आपको हिंट भी दिख जाएगा, मॉन्स्टर बूट कैंपिंग हॉरर स्टोरी फ्लावर फील्ड बेस्ट फ्रेंड सनसेट, तो हम लोग लिख लेते हैं वुड हॉरर स्टोरी। बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये देखना है कि अगर जब ये हमने फिल्टर यहाँ पे लगाया तो क्या ये प्रॉम्प्ट काम करेगा। हम इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ, तो इस तरह से आपकी एक स्टोरी रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप चैट जीपीटी को ये भी बोल सकते हैं कि आप इसको शॉर्ट कर दें, अगर आपको वर्ड्स कम करने हैं इसके तो वो भी करवा सकते हैं, अगर आपको टाइम लिमिट के हिसाब से स्टोरी को रखना है वो भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ये स्टोरी मेरी कंप्लीट हो जाएगी, ये हो गई, देखो चैट जीपीटी ने लिखी, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, द विस्परिंग ग्रूव करके उन्होंने मुझे स्टोरी का नाम दिया। अच्छा, यहाँ पे आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज के लिए आपको है ना यहाँ पे जो आउटपुट है उसको हिंदी करना पड़ेगा। स्क्रॉल करके नीचे जाए, टाइप नहीं करना है यहाँ पे कुछ भी,
यहाँ पे हिंदी, मराठी, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप ले सकते हैं, गुजराती। आप लैंग्वेज को चेंज करें, आपको आउटपुट वैसे ही मिल जाएगा, बट मैं इस वीडियो में प्रेफर कर रहा हूँ इंग्लिश, क्योंकि वो थोड़ा फास्ट हो जाए हमारा काम। तो जैसे ही ये स्टोरी क्रिएट हो गई, इसके बाद जो अगला स्टेप है, आपको इसको ये कहना है चैट जीपीटी को, प्लीज सेंड मी द इमेज प्रॉम्प्ट फॉर मिड जर्नी एज पर द स्टोरी गिवन। तो जब आप ये लिख देते हो और भेजते हो, तो चैट जीपीटी जो है वो आपको डिनाई करेगा। क्यों डिनाई करेगा यहाँ पे आपको? क्योंकि जो हमारे पास जो हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया है शॉर्ट स्टोरी का, वो तो शॉर्ट स्टोरी देगा ना, आप उससे प्रॉम्प्ट क्यों मांग रहे हैं? इसके बाद अगर हमको प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप सीधे यहाँ पे अप्रेंट पे क्लिक करेंगे, फिर से जो आपने स्टोरी लिखा था उसको आप सर्च बार से कैंसिल करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर। तो जैसे ही आपने मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर क्लिक किया, या इसमें से आप ये भी ले सकते हैं जो लेटेस्ट वर्जन है V4 वाला, पर वो GPT-4 में जाता है, पेड वर्जन हो जाता है, तो आप ये वाला ले लें जो फ्री वाला है, क्योंकि कोशिश यही है इस वीडियो में मेरी कि हम लोग फ्री की चीज़ें रेडी करके दें। जैसे ही मैंने प्रॉम्प्ट सेलेक्ट किया, आप देखेंगे कि यहाँ पे वो फिल्टर आ जाता है मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर। तो जब ये रेडी हो जाता है तो फिर से आपको वही लिखने की जगह इसे कॉपी करें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और एंटर पे प्रेस करें। तो जैसे ही आपने ये किया, आप देखें आपको एग्जैक्टली जो ऊपर स्टोरी है उसके ही रिलेटेड आपको प्रॉम्प्ट रेडी करके वो दे देगा। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 4 प्रॉम्प्ट दिए हैं, इसको आप बोल सकते हो प्लीज प्रोवाइड मी मोर। उसकी वजह क्या है, अगर वीडियो मुझे पूरी इंटरेस्टिंग बनानी है, मिसाल के तौर पे मेरी वीडियो अगर 5 मिनट की बन रही है या 8 मिनट की बन रही है, तो शायद से मुझे और प्रॉम्प्ट लग सकते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी से क्या बोला, भाई मेरे को 5 और दे या मेरे को 10 और दे दे, अपने हिसाब से आप ये बोल सकते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया था प्लीज प्रोवाइड मी मोर, तो वो क्या करेगा कि स्टोरी के हिसाब से हमको कुछ प्रॉम्प्ट बना के दे देगा, जैसे कि वो दे रहा है। तो उसने पहले 4 दिए थे, अब यहाँ पे हम देखते हैं कितने हमें प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। अच्छा, ये जितना भी काम अभी तक हम कर रहे हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, और मैं लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है बंदे को जो वीडियो बना रहा है, क्योंकि वो अपना टाइम दे रहा है, मेहनत दे रहा है और सही जैन इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये तो प्रॉम्प्ट बन गए, 8 प्रॉम्प्ट मेरे पास रेडी हो गए। अगर मुझे और भी चाहिए तो मैं चैट जीपीटी से बोलूँगा और वो हमको और 150 इमेज प्रॉम्प्ट्स मिड जर्नी के लिए दे देगा। तो अब हम लोग मिड जर्नी टूल्स पे चले जाते हैं। तो ये रहा मिड जर्नी टूल। अच्छा, पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मिड जर्नी टूल जो है वो एक पेड टूल है। आप सोचेंगे कि आप फ्री में उसको एक्सेस कर ले तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये उनका बेसिक प्लान है, आप देख सकते हैं, मंथली में $10 पड़ेगा और एनुअल में $8 पड़ेगा। तो जैसा आपकी ज़रूरत है आप वो हिसाब से ये प्लान को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि आप 3 jobs, 10 jobs, वेटिंग इन द क्यू, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, मैंने जो प्लान यहाँ पे लिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे $10 वाला लिया हुआ है, बहुत ही बेसिक प्लान लिया, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट ही बहुत मिनिमम था, क्योंकि मुझे कुछ ही इमेजेस क्रिएट करनी थी स्टोरी के हिसाब से। तो एक इमेज डाल के भी मैं स्टोरी बना सकता हूँ और मैं 10 images डाल के सिचुएशन के हिसाब से हम लोग स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मिड जर्नी टूल पर आ जाते हैं। तो ये रहा मिड जर्नी टूल, ये कुछ इस तरह का इसका लेआउट दिखता है, बहुत ही सिंपल सा बनाया है इन्होंने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमें क्लिक करना है ज्वाइन द बीटा, साइन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, पर आप जैसे ही ज्वाइन द बीटा पे क्लिक करेंगे आपको मिड जर्नी डिस्कॉर्ड पे आपको ले जाएगा। अच्छा, मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे। तो लॉगिन प्रोसीजर वही होता है, आपको अपनी डिटेल्स डालनी होती है और लॉगिन करने के बाद अगर आप इस टूल को परचेज कर रहे हैं तो मिड जर्नी आपका वही जीमेल अकाउंट और पासवर्ड मांगेगा, उससे आप लॉगिन करें। उसके बाद वो आपको या तो OTP के थ्रू लॉगिन होगा या फिर आपको वो पासकोड की भेजता है, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये मिड जर्नी हमारा लॉगिन हो गया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप ये जो आप सिंबल देख रहे हैं SS का, यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से आपका एक
खुद का रूम मिल जाएगा जहां पे अपनी आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इमेज क्रिएट करके देखता हूं कि जो हमने स्टोरेज के हिसाब से इमेज मांगी है, तो हम जल्दी से उस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी के कॉपी करने के बाद, मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे प्रॉम्प्ट, ये वो प्रॉम्प्ट है जो हम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। और हम मिडजर्नी टूल में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे इमेजिन प्रॉम्प्ट। जैसे ही आपने टाइप किया, इस तरह से आपको प्रॉम्प्ट आ जाएगा। उस प्रॉम्प्ट में से आप इसको निकाल दीजिए और इंटर हिट का बटन यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसको आप हिट करें। जैसे ही आप हिट करेंगे, तो जैसे ही आप प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह से चार वर्जन उस रिलेटेड प्रॉम्प्ट के मिड जर्नी आपको दे देगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये U1, U2, U3 और U4 है। इसका मतलब ये है कि ये जो चार इमेजेस हैं, आप इन पे क्लिक करेंगे ना, ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको वो सेपरेट सेपरेट सेक्शन में वो इमेजेस हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, इस इमेज के मुझे और भी बहुत सारे वर्जन चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V1, V2, V3, V4। तो जैसे ही मैं V1 पे क्लिक करूँगा, तो जो V1 वाली इमेज है, उसके मुझे अलग अलग चार वर्जन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से बस आपने क्लिक करना है और आप यहाँ से इमेज डाउनलोड करें और उस इमेज को अपने वीडियो में आप ऐड करें। अच्छा, वो जो तीसरा सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में मैं अपने इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि सेकंड पार्ट में हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम चैट जीपीटी एपरन और मिड जर्नी और एक जो सॉफ्टवेयर है जो मैंने सरप्राइज रखा हुआ है, ये वो अपने सॉफ्टवेयर का नाम मैं अपनी अगली वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। इन तीनों के थ्रू ही हम एक अच्छा सा वीडियो बना के YouTube पे अपलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।